मेरे अति प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार करता हूँ। एक सुंदर जहाज से बैठ के बात करना मेरे लिए खुशी की बात है। परमेश्वर की सृष्टि की एक हिस्सा को आप देख रहे हैं। ऐसे जगह में जब हम आते हैं, परमेश्वर की सृष्टि की सामर्थ्य को महसूस करते हैं। ठीक है, आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है? फिलिप्पियों 4:13 में, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ऐसे परमेश्वर का भक्त अपने अनुभव को यहां पर लिखता है। एक ताकत चाहिए पढ़ने के लिए, परमेश्वर का बल चाहिए, बिजनेस करने के लिए ताकत की जरूरत है, आप खेती गृहस्थी करते हैं उसमें सामर्थ चाहिए, जब आप पढ़ते हैं आपके लिए सामर्थ चाहिए, सारे काम करने के लिए सामर्थ्य चाहिए। सामर्थ्य देने वालों को हमेशा हम ढूंढते हैं। कोई मुझे आके साहस दें, शक्ति दें, इस प्रकार कोई आने के लिए हम सब चाहते हैं। एक सामर्थ्य देने वाला एक व्यक्ति है, एक उत्साह देने वाला एक व्यक्ति है, वही प्रभु यीशु मसीह है। पौलुस अपने अनुभव से इस प्रकार वो कहता है, जो मुझे शक्ति देता है मैं उसके द्वारा सब कुछ करूंगा। इसका मतलब परमेश्वर जो जिम्मेवारी आपको करने के लिए दिया गया है उस सब काम को आप कर सकते हैं। मुझसे ये तो असंभव नहीं होगा है, लेकिन परमेश्वर साथ में रहकर सारे काम को संभव करेगा। आज इस काम को आपको पूरा करना है, इस साल में, इस महीना में, ये सारे काम को आपको पूरा करने की आवश्यकता है। चाहे हो सकता है आपका बिजनेस के कार्यों में या आपका परिवार की जिम्मेवारी में, जो कुछ कार्य को पूरा करने के लिए शक्ति देने वाला है यीशु मसीह। आप भी हिम्मत से कह सकते हैं, जो मुझे सामर्थ देता है मैं सारे काम को पूरा करूंगा। जो प्रभु ने दिया उसको मैं पूरा करूंगा, मेरे जिम्मेवारी को मैं पूरा करके दिखाऊंगा। क्यों आप चिंता करते हैं? परमेश्वर साथ में है ना। लोग जरूर आपको निराश करने के लिए बहुत बातों को कहेंगे, ये काम करने के लिए तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, ये तुम कर नहीं सकता, इस प्रकार लोग आपको देख के कहेंगे। लेकिन परमेश्वर कहेगा, डरो मत, तुम सूरवीर सुरमा, तुम कर सकता है। परमेश्वर बल देने वाला है, आपसे कहता मैं तुम्हें बल दूंगा, तुम जरूर उसको करेगा। विश्वास से कहेंगे, जो मुझे सामर्थ देता है मैं सारे काम को करने के लिए मेरे पास बल है। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन।